でさ、ये स्थान जो देख रहे हैं आप, अभी तीन नीलगाय और चीतल भागे यहाँ से। हाथियों का मेन लोकेशन है और साथ ही यहाँ पे टाइगर है। और हम लोग इस टाइगर के गढ़ में कह सकते हैं रिस्क लेते हुए यहाँ पैदल बिना किसी हथियार के विचरण करते हुए गश्ती कर रहे हैं। प्रातःकालीन गश्ती 6 से 11 तक। यहाँ पर कई जानवर, कई प्रकार की पक्षी, कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है बायोडाइवर्सिटी से संपन्न है। वनस्पतियों से हरा भरा, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां फर्न भी पाए जाते हैं यहाँ। सदा हरित यहाँ पर पादप पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सदा नीरा नाले भी बहते हैं, छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं, जो जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए एवं टाइगर को ठंडक पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। और साथ ही जहां पर नाले नहीं होते हैं, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सासर बना दिया जाता है। सासर में एक टैंकर से पानी समय समय पर डाला जाता है और सासरों की सफाई की जाती है। यहां पर जब भी हम लोग यहाँ पर कैमरा ट्रैप लगाते हैं तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवर, चाहे वो भालू हों, हिरण की कई प्रजातियाँ होती हैं, चीतल, आपका बारहसिंघा होता है और चिंकारा होता है, साथ ही भेड़ की बार्किंग डियर जो कुत्ते की जैसे आवाज़ निकालता है, उसे बांसा भी कहते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही नीलगाय तो अभी आपने देखा होगा, दूर थे हम लोग, भाग गई नहीं तो स्पष्ट वीडियो आती, उसमें तीन नीलगाय भागी और यहीं पर चीतल थे। जस्ट आगे अपन जाते हैं, यहाँ से 500 मीटर दूर टाइगर की लोकेशन है। और साथ ही यहाँ पर हाथियों का लोकेशन बना ही रहता है, हाथी भी आसपास ही होंगी। चलिए चलते हैं, कुछ देर के बाद मिलते हैं।